हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ सीक्रेट्स अपने जो किचन गार्डन हमारा है उसमें जो ढेर सारी फ्रूटिंग वगैरह कैसे आती है। तो फ्रेंड, अगर आप भी टेरेस में गार्डनिंग करते हैं कंटेनर ग्रो बैग वगैरह में, तो ऐसी कोई भी सब्जी नहीं है जो हम उसमें उगा नहीं सकते और उसके जो बेस्ट रिज़ल्ट हैं वो हमें मिल जाते हैं। बस ये है, उसके लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपनी जो प्लांट के लिए मिट्टी है वो अच्छे से तैयार करें और साथ ही उसे टाइम टू टाइम हम उसमें कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र वगैरह डालते रहें। ऐसा करने के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ फर्टिलाइज़र लिक्विड। तो देखिए, ये है बनाना। केला तो हर किसी के घर में आता ही है, तो जब भी आप केले खाते हैं तो उसके छिकल फेंकिए मत, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए और फिर उसे किसी भी बर्तन में रख के उसमें पानी डाल दीजिए और फिर इसे आप ढक के 24 घंटे के लिए रख दीजिए। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। और दूसरा है आपका अनियन पील। फ्रेंड, हर किसी के घर में प्याज तो आता ही है, उसकी हम जब भी सब्जी बनाते हैं तो प्याज या लहसुन के छिकल, दोनों के ही छिकल आप एक साथ मिक्स कर सकते हैं और इन्हें भी आप 24 घंटे तक सोक करके रख दीजिए। जो भी फर्टिलाइज़र मैं आज आपको बता रही हूँ उनमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं वो होते हैं जो कि हम अपने पौधों में डालते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, 24 घंटे बाद जो अनियन पील हमने भिगो के सोख करके रखे हुए थे उन्हें आप अलग कर दीजिए और इसका जो ये पानी है इसे डाइल्यूट करके, मतलब इसमें आप और पानी मिला के लगभग इसका 2 या 3 गुना पानी और डाल के फिर इसे आप अपने सभी प्लांट में डाल सकते हैं। इससे जो फ्रूटिंग है और फ्लावरिंग है बहुत ही अच्छी होती है। और तीसरा फर्टिलाइज़र जो है वो है दाल। जब भी आप दाल अपने घर में बनाएं तो उसे जब आप धोते हैं तो उसका जो पानी है उसे फेंकिए मत, उसे आप रख दीजिए और वो भी अपने प्लांट में आप दे सकते हैं। और चौथा फर्टिलाइज़र है फ्रेंड, चावल का पानी। चावल तो हम सबके घर में बनते ही हैं और बनने से पहले हम सब इसे धोते भी हैं, तो धोने के बाद जो इसका पानी बचता है वो आप सिंक में मत फेंकिए, उसे भी आप रख लीजिए और अपने जो प्लांट है उन्हें आप ये दीजिए। ये बहुत ही अच्छे हेल्थ टॉनिक हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं जो भी मैं आपको बता रही हूँ, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको अलग से कोई पैसा खर्च नहीं करना है। और इन्हें आप अपने घर के सभी पौधों में, चाहे वो फूल के हो, चाहे फल के हो या सब्जियों के हो, हर किसी में आप इन्हें डाल सकते हैं, आउटडोर इनडोर। और अगला जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो है छाछ, यानी कि बटर मिल्क, लस्सी, जो भी हम आपके वहाँ इसे बोलते हो, 1 गिलास बटर मिल्क आप ले लीजिए। एक चीज़ का ध्यान रहे, छाछ जितनी ही ज़्यादा खट्टी होगी उतनी ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। उसे आप 1 गिलास जो छाछ है इसे करीबन 10 लीटर पानी में आप मिला लीजिए और इसे अच्छे से डाइल्यूट कर लीजिए और इन्हें भी आप अपने सारे पौधों में डाल सकते हैं। टमाटर, मिर्च और भी सभी तरीके की सब्जी वाले या फ्रूट वाले प्लांट में आप इन्हें डाल दीजिए और उससे जो है आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड, मैं कोई भी केमिकल, कोई भी मार्केट से फर्टिलाइज़र या किसी भी तरीके के पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करती हूँ। मैं घर में बने हुए कंपोस्ट और लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो भी हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं उनके छिकल और जो भी मैंने आपको फर्टिलाइज़र बताए हैं, ये सब का यूज़ करती हूँ और ये सब अपने प्लांट में टाइम टू टाइम डालते रहती हूँ। जैसे 1 हफ्ते आप
बनाना पील फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, और उसके नेक्स्ट वीक आप अनियन लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे घर में ही बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र हमें मिल जाते हैं, जिनका आप यूज़ कीजिए अपने किचन गार्डन में, और खूब सारी जो फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह है उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टमाटर वगैरह हैं यहाँ पर, या जो भी वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पर लगाई है, उसकी बहुत ही अच्छी यहाँ पर मुझे रिज़ल्ट मिले हुए हैं। तो फ्रेंड, इसी तरीके से मेरे चैनल पे बने रहें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।